हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और टॉपिक लेकर आई हूँ क्या है, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि आपके क्लास 9th का 3rd चैप्टर है, चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे भी हम बात किसकी करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल की, कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या थे एटम, क्या बोला गया, किसको बोला गया एटम, क्या थे मॉलिक्यूल, आखिर क्या इनकी हिस्ट्री थी, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले नाम आया मैटर। अरे अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप बात कर रहे हो हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल और आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैटर, और मैटर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, मैटर इन आर सराउंडिंग, कि मैटर होते क्या है ना। मैटर आपके बारे में पता है कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या लेते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और जिनमें क्या होता है मास होते हैं, वो मैटर होते हैं ना। लेकिन जो मैटर होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स के। तो आपने देखा था वहाँ पर सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, गैसेस भी था। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या कि मैटर है क्या। तो आपको ये पता ही है कि आई थिंक विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज वॉट, वो होते हैं क्या, मैटर। यहाँ पे देखिए सॉलिड का भी कंडीशन दिख रही है, लिक्विड भी एंड गैसेस भी। आपको पता है कि ये किससे बने हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए हैं ना। और देखिए यहाँ पे सॉलिड में बहुत क्लोज पार्टिकल होते हैं, यहाँ थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई हियर, इससे कम इसमें, इससे कम इससे होता है। पूरी कहानी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैटर, मैटर के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि यदि मैं बात करूँ किसकी, जितने भी एंशंट फिलोसोफर थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने ना एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। तो ये बात स्टार्ट कैसे हुई, ये बात स्टार्ट हुई मैटर से ही, कि भाई मैटर जो है वो क्या है, मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है मैटर, तो वो पार्टिकल्स हैं क्या, क्या वो पार्टिकल्स क्या ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको एक टाइम के बाद डिवाइड करना आसान नहीं है, क्या वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, तो यदि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है तो वो फिर क्या है, हम उसको क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल को भी हम सिर्फ पार्टिकल ही बोलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे दिमाग में चीज़ें आई कि भाई मैटर तो है और पार्टिकल से बने हैं, तो क्या सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो बहुत सारे एंशंट फिलोसोफर थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी। ओके, तो इन्हीं में से 500 BC की बात है, अराउंड 500 BC महर्षि कनाड जी, ठीक है, इनके आपको यहाँ पे इमेज दिखाई पड़ रही है, ठीक है, सीधे लिखा हुई है अणु सिद्धांत के प्रवर्तक, सीधे इनके बारे में हिंदी में लिखा हुआ है, इनकी इमेज आपको दिख रही है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि ये एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ क्या, महर्षि कनाड, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उन्होंने ये बोला कि मैटर, मैटर को उन्होंने क्या बोला, पदार्थ बोला, क्या बोला पहले, मैटर मतलब पदार्थ। हाँ जी, आपको ये पता है कि हम पदार्थ मतलब क्या होता है, कि कोई ना कोई मैटर है, सब्सटेंस है। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जब हम पदार्थ को डिवाइड करने जाते हैं, वी शैल गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो हमें क्या मिलता है, बहुत ही, बहुत सारे पार्टिकल्स से वो मैटर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स से वो पदार्थ बना हुआ है, ठीक है। अब जब हम उसको डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पार्टिकल बियंड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और जब हम उस पार्टिकल को डिवाइड करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस सिचुएशन में हम क्या होते हैं, उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसको हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है। और उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, क्या नाम दिया, परमाणु। तो हिस्ट्री की बात की जा रही है, हिस्ट्री किसकी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल की, है ना। अब वो हिस्ट्री ये थी कि भाई बात आई मैटर से, और हम सभी जानते हैं कि मैटर किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, है ना। अब पार्टिकल को यदि आप डिवाइड करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इट कांट बी डिवाइड, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर वो था क्या, क्या नाम रखा, तो उन्होंने बोला उसको परमाणु। किसने बोला ये, महर्षि कनाड जी ने। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि महर्षि कनाड थ्योराइज्ड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, आगे पॉसिबल नहीं था। एंड उन्होंने क्या बोला, उसको नाम दिया दैट इज परमाणु, उन्हें परमाणु बोला। अब आगे आ गए तो पाकुदा जी आ गए, हम पाकुदा जी ये भी एक एंशंट फिलोसोफर थे। अब इन्होंने क्या बोला, ये सिंपल सा है, इन्होंने जो बोला कि महर्षि कनाड जो थे उनके बारे में उन्होंने बोला कि ठीक है, जो उन्होंने दिया है उसी को थोड़ा सा उन्होंने इलेबोरेट कर दिया। क्या बोला, दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर।
उन्होंने सिर्फ सिंपल ये बात बोली कि क्या कि जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, जो बहुत सारे फॉर्म देते हैं मैटर में और कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ये किसने बोला? पाखुता जी ने बोला, ठीक है। अब पाखुता जी की बात जब आई तो अब आ गए क्या डेमोक्रेटिक एंड लिसिपस, उनकी बात आई कि भाई फिर इन्होंने भी बोला कि भाई चलो ठीक है आप जो बोल रहे हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी में कुछ बताते हैं आपको। तो उन्होंने क्या बोला, बो सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। मतलब उनकी बातों को सुनने के बाद भी तो इन दोनों ने भी अपनी राय दी कि भाई ठीक है, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जब हम मैटर को डिवाइड करने जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, उसको फिर से हम मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको फिर से हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेट्स ने क्या बोला कि दीज इनविजिबल पार्टिकल एटम मीनिंग इंडिविजिबल, उनको ने क्या बोला कि एक ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एक टाइम ऐसा आया कि अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ये जो इनविजिबल पार्टिकल था, ठीक है ना, वही क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको उन्होंने क्या बोला, दैट इज इंडिविजिबल। तो ये बात आई। अब इतनी सारी बातें हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी कि ठीक है परमाणु बोल दिया, उन्होंने आगे वाले ने बोला कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है मैटर बनाते हैं, फिर यहाँ पे लिसिपस और डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने भी बोला कि टाइम आता है कि पार्टिकल्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, और वो इनविजिबल पार्टिकल ने क्या बोला, इनडिविजिबल पार्टिकल बोला। तो अब हुआ क्या, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, बट ऑल दीज आइडियाज वर नॉट बैक्ड अप बाय मैनी एक्सपेरिमेंटल पीसेस, मतलब कि दिमाग में है लेकिन बात की गई तो देखा गया कि कई चीज़ों में हमें तरीके से एक्सपेरिमेंटली जब हम बात करें तो बहुत जगहों पे ये चीज़ नहीं ढंग से हमारे लिए सूटेबल हुई। तो क्या हुआ, एंटोइन लवोइजर जो थे प्रोवाइड टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उन्होंने भी जो एंटोइन लवोइजर जी थे जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, उन्होंने अपनी राय दी और उन्होंने टू लॉ दिए। अब जो टू लॉ दिए उन्होंने वो क्या थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो लॉ में उनका जो फर्स्ट लॉ था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब एंशिएंट फिलोसोफर की बातों को सुना, बहुत सारी चीज़ें बहुत सही थी, उनकी बातों को सुनते हुए उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि परमाणु बोला गया है, इंडिविजिबल पार्टिकल बोला गया है क्योंकि इनविजिबल है, बहुत सारी बातों को सुनते हुए उन्होंने भी अपनी राय दी। तो उन्होंने क्या बोला एंटोइन लवोइजर जी ने, 1774 की बात है जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने दो लॉ दिए थे, ठीक है। तो एक पहला क्या था, लॉ ऑफ जिसको हम बोलते हैं क्या, डेट इज केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप यहाँ पे एक तरीके से इससे याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोला उन्होंने, मैटर जो होता है, मैटर की बात की, इट नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना आप मैटर को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है बच्चों वो रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के मास के, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट एटम होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट के एटम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दो बातें आई कि क्या रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास, ठीक है, और हम यदि बात करें एटम के फॉर्म में तो एटम जो रिएक्टेंट का जितना होगा वो उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो भाई इनकी बात आ गई ये चीज़, उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया। अब एग्जाम्पल क्या ले लिया उन्होंने, उन्होंने ये बोला कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो रिएक्शन होने पर बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ बना, ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला कि इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट डेट इट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना ग्राम था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, आर डिकम्पोज, ये क्या हुआ, हीट करने पर डिकम्पोज हुआ, जब डिकम्पोज होता है तो बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो बनाया वो कितना बनाया, जब वो डिकम्पोज हुआ कम्प्लीटली तो 56 ग्राम में उनको मिला कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। अब इसको टोटल यदि आप कर लोगे दोनों को तो वो कितना आया, 100 ग्राम आया। तो हमारा अभी बात पहले में देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट मास इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट मास के। ये बोलता है रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। तो देखिए यही बात सामने आई कि देखो यहाँ पे 100 ग्राम था और ये 100 ग्राम क्या है, रिएक्टेंट मास। प्रोडक्ट मास को काउंट करने के बाद जो निकला वो भी 100 ही निकला, कि उसके क्या निकला, बराबर निकला। ये बात आई, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने देखा, एक अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड रिएक्टेंट एंड इट हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। टोटल करने पे देखिए हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है वो भी 100 ग्राम मिल रहा है। सो सिंस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने आपको बताया, देयर इज नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, द मास रिमेंस द सेम। इन देखा जाए तो कंजर्वेशन में ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, वो सेम रहेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम्पल लिया, दूसरे एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे थे। जब रिएक्शन कर रहे थे इनका टोटल जो आ रहा था वो इतना था, 11.3 आ रहा था। इनके रिएक्शन के बाद तीन चीज़ें यहाँ बनी हैं, सोडियम इथेनोइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो बना था वो 8.2 ग्राम 2.2 ग्राम एंड 0.9 ग्राम में एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो इतना मिला, और टोटल मास निकला तो 11.3 निकला। तो देखा क्या उन्होंने, रिएक्टेंट मास जो था प्रोडक्ट मास के क्या था, इक्वल था। तो ये भी क्या था, वेरीफाई कर रहा था किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये भी ठीक था। अब इतनी बात को सुनने के बाद चलो ठीक है कि हद तक हमें चीज समझ में आई, लेकिन अब यहां पे आ गया क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिन्होंने किसने दिया था, जे प्राउस ने दिया था। अब जे प्राउस ने क्या दिया, उन्होंने जो दिया उनका क्या कहना था कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट डेट आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। मतलब कि इन्होंने सिंपल सी बात की थी, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात की, एक कंपाउंड के फॉर्म में की, कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है, चाहे वो वाटर है चाहे वो CO2 है, कहीं ना कहीं क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं ये, ठीक है। केमिकली कंबाइंड तो हो रहे हैं बट बाय फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने वाटर का देखा तो वाटर का देखिए रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है, 1:8 रहता है। आप देखो तो ऐसे आएगा 2:16, तो ये हो जाएगा 1:8 रहता है। तो ये क्या हो रहा है, ये केमिकली कंबाइंड और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है। H2O2 की बात की जाए तो 1:16 बाय मास होते हैं। तो ये बात उन्होंने किसने बोली, जे प्राउस जी ने बोली। तो चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आती है कि उन्होंने अपनी बात को, अपनी राय को रखी। तो इस तरीके से क्या होता था कि बच्चों, एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट जो एंशंट फिलोसोफर थे उन्होंने तो एक नाम दिया कि एटम क्या है, एक जो कोई भी मैटर है वो, जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल्स का जो पार्टिकल जो उसको एंड में क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो ऐसे कई साइंटिस्ट ने बोला, किसी ने बोला इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है ना। फिर लवोइजर जी ने आया, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, उन्होंने बोला नहीं, सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट एटम जो है प्रोडक्ट एटम के बराबर होते हैं, मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मतलब कि मास ऑफ अ एटम इन रिएक्टेंट विल इक्वल टू द मास ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, उन्होंने ये बात बोली, ठीक है ना। आप सिंपल सी बात है कि हाँ ये पॉसिबल था। तो प्राउस जी ने फिर अपना दिमाग दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा भी नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं कि जो भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल मतलब कहीं ना कहीं वो कंपाउंड बना रहे हैं आपको। अब ये जो कंपाउंड थे ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास थे, ठीक है ना, केमिकली कंबाइंड बाय फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास थे। उन्होंने उस तरीके से उसको निकाल के दिखाया तो वो भी बात सही निकली। तो देखा जाए ये जो स्टार्टिंग से एंशंट फिलोसोफर से लेकर अभी तक की जो बात आई बच्चों, ठीक है ना, जो हमारे लवोइजर जी ने 1774 में दिया या जे प्राउस जी ने दिया, सबकी बातों में एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव होते होते देखा जाए तो फाइनल डिसीजन निकला था, ठीक है ना। अब अभी मैं जब नेक्स्ट आपको बताऊंगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, तो वो भी आए, उन्होंने भी अपना दिमाग दिया, मतलब इतना कहानी के बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आएगी। उन्होंने भी एटम के बारे में बोला, ठीक है ना, कि मैटर से एटम क्या है और एटम क्या है, इंडिविजिबल है, क्यों है, क्या है, उन्होंने भी अपने अपने दिमाग दिए। और वो होने के बाद एंड में फिर एटम के बारे में रियल डिस्कशन स्टार्ट हुआ, रियल बात स्टार्ट हुई। तो ये था कि एंशिएंट फिलोसोफर ने क्या क्या कहा था उनके बारे में। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, डेमोक्रेटस जी का, ल्यूसिपस का, जे प्राउस जी का, ठीक है ना, इन सब का नाम सबका याद कर लीजिए, इन्होंने क्या क्या बातें बोली, उन बातों को अपने को दिमाग में रख लेना है। अब नेक्स्ट जो लेकर आऊँगी वो लेकर आऊँगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो हम उस पर जानेंगे कि भाई उनकी क्या एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या चीज़ बताया था, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन बहुत ही टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय।